हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर टी ट्यूशन अकेडमी। हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम इसमें एक पार्ट इसका कर चुके थे। आज हम लेके आए इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पांच टाइप किए थे, जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन किए थे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे उसमें। आज हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं SI और CI का, जिसमें हम इसके सिक्स टाइप से शुरू करेंगे। जो छठा टाइप हमारा उससे शुरू करेंगे। तो बेसिक हम कर चुके थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल होता है हमने कितना अमाउंट किसी को दिया है, जिसको हमने P से डिनोट किया है। टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है हमने उसको T से डिनोट किया था। रेट, कितनी दर पे दिया था उसको हमने R से डिनोट किया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट था हमारा SI। सिंपल इंटरेस्ट, हमने जितना पैसा किसी को दिया है सिर्फ उस पर ही ब्याज लगेगा, वो क्या था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। अगला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था हमारा? ब्याज पे भी ब्याज लगता था। प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगता ही था, लेकिन साथ में ही जो ब्याज हमने एक साल का, दो साल का, तीन साल का किया, तो अगले साल उसका भी ब्याज पे ब्याज ऐड होके उस पर भी ब्याज लगता था। वो हमारा क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट था। उसके बाद अमाउंट मिश्रधन। अमाउंट क्या थी हमारी? अमाउंट थी हमारा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। आई से डिनोट करते हैं, चाहे वो CI हो या फिर SI हो, कोई भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, उसको हमने अमाउंट से डिनोट किया है। प्रिंसिपल प्लस में I क्या हो गया हमारा? अमाउंट हो गया। उसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस क्या हमारा? डिफरेंस वैसे तो हम क्या है, CI ज्यादा होता है, तो CI माइनस में SI, ये क्या हो गया हमारा? डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, तो आपको याद होना चाहिए। तो इससे आगे करते हैं आज हम। अगला हमारा टाइप नंबर सिक्स। टाइप नंबर सिक्स में क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति किसी धन राशि, एक किसी निश्चित धन राशि पर साधारण ब्याज की 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये हो जाता है या प्राप्त करता है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि कर दी जाए तो उसी धन राशि पर वह कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? देखो हमने क्या किया है, क्या क्या दिया पहले ये लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है SI, 3 वर्ष का SI दिया है। कितना दिया है? 900 रुपये दिया है। 900 रुपये, ठीक है, 900 रुपये क्या दिया है हमारे? 3 वर्ष का SI दिया हुआ है। और क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कितना दिया हमें? 3 साल, 3 ईयर का टाइम दिया हुआ है। और रेट दिया हुआ है R, कितना दिया हमें? 6%। ठीक है, अब ये बोलता है अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे साधारण ब्याज था, सिंपल इंटरेस्ट था, अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या करें SI की जगह CI कर दें, चक्रवर्ती ब्याज कर दें, तो हमें कितना और अधिक धन प्राप्त होगा, तो ये निकालना है। तो हमने 3 वर्ष के लिए किया था, तो 3 वर्ष के लिए हम चैन सिस्टम बना लेते एक बार। ये हमारा प्रिंसिपल, तो ये हमारा क्या है? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा इसका ब्याज यहाँ पे आएगा और इसका इसमें आएगा। इसका ब्याज जो अगले वर्ष जाएगा ये यहाँ पे आएगा, और इसका जो अगले वर्ष जाएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्या था हमारा? 3 साल का चैन सिस्टम था। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है? उसके बाद हम लिख देते हैं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है, तो मतलब कि 1 वर्ष का कितना होगा? 300 होगा। ये भी 300 रुपये होगा। ये भी कितना होगा हमारा? 300 रुपये होगा। ठीक है, उसके बाद 6% की वार्षिक दर है, 6% की वार्षिक दर आता है, इसका मतलब क्या हो गया? 6/100 कर सकते हैं, तो इसको 6/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 18 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा? ये भी 18 आएगा और ये भी 18 आएगा, और उसको भी 6/100 करूँगा तो मैं कितना आएगा? इसको 6/100 करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 1.08, ये 1.08 आ गया। आई बात समझ? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कितना अधिक धन प्राप्त होगा। भाई SI में तो हमें अगर 900 रुपये प्राप्त हो रहे थे, तो CI में कितने प्राप्त होंगे और उसका अंतर निकालना, में कितना अधिक धन प्राप्त होगा उसका अंतर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सीधा निकाल लेंगे। ये क्या होता हमारा? ये वाला क्या हो गया हमारा? ये होता हमारा SI और ये होता हमारा पूरा का पूरा CI। तो अंतर कौन सा है? ये वाला होता हमारा, तो अंतर निकालना हमें।
तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कितना है हमारा, तीन तो 18 18 रुपये है, 3 × 18 प्लस में, और कितना है 1.08, तो कितना आ गया 55.08। तो 55.08 रुपये हमें अधिक मिलेगा अगर हम क्या कर दें, एसआई से सीआई ब्याज लें, ठीक है। तो ये क्या हमारा 55.08, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि 18 18 54 प्लस में 1.08 करेंगे तो 55.08, ठीक है, 55.08 आ जाएगा हमारा। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा डिफरेंस आ गया, इतना अधिक धन प्राप्त होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये सेकंड हम बिल्कुल बेसिक सा किया है, पहले हम चेन सिस्टम बना लेते हैं इसके लिए। अब दिया क्या क्या है हमें, ये हमारा चेन सिस्टम है, दिया क्या है, देखो 3 साल का दिया है तो इसलिए हमने 3 साल के लिए बनाए। इसमें दिया गया प्रिंसिपल कितना हमारा 12,600, तो ये हमने लिख लिया 12,600 रुपये, 12,600 हो गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट साल का जो फर्स्ट साल हो गया हमारी, फर्स्ट ईयर होगी, उस पर जो रेट दिया हुआ है कितना दिया, 14 2/7। तो इसको सही में हम खोलेंगे तो कितना आएगा इसका, यह आएगा हमारा 100/7%। 100/7% का मतलब क्या आ गया, 1/7 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1/7 आएगा क्योंकि डिवाइड बाय में 100 करते हैं हम। सेकेंड साल का यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड साल का कितना हमारा 11 × 99 = 100, तो ये भी कितना आ गया, 100/9%। तो ये 100/9% है तो परसेंटेज हटाएंगे तो ये भी क्या आ गया, 1/9 आ गया। थर्ड साल का कितना है 10%, ये तो सिंपल है, 10% का परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय में 100 करेंगे तो क्या आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है। 12,600 का 1/1 क्या किया हमने, 1/1 12,600 का 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 7 × 7 = 56, 1800 आ गया। 1/9 करेंगे तो 9 × 9 = 36, ये 1400 आ गया, ठीक है। 1/10 करेंगे तो ये क्या आ गया, 1260 आ गया, ठीक है, 1260 रुपये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें हमने, अब यही वाला पैसा क्या गया हमारा, यही वाला पैसा दूसरे साल गया है, और दूसरे साल का जो हमारा रेट है वो कितना, 1/9 है, ठीक है। तो 1/9 करेंगे तो ये कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। अब ये वाला पैसा क्या गया, तीसरे साल जाएगा, तीसरे साल जाएगा तो 1/10 होगा, 1/10 होगा तो इसका मतलब कितना होगा, ये 140 रुपये, समझ में आया होगा। उसके बाद अब ये वाला पैसा क्या गया, तीसरे साल जाएगा तो तीसरे साल जाएगा तो ये भी 1/10 आएगा, 1/10, 1/10 का मतलब कितना आ गया, 180 रुपये। उसके बाद ये सेकंड साल का ब्याज है जो हमारा, ये भी तीसरे साल में जाएगा, इस पर भी कितना रेट आएगा, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा तो उसका मतलब कितना होगा, ये 20 रुपये हो गया। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर। ये तो हमारा क्या है, एसआई है, क्या है हमारा, एसआई है, लेकिन हम सीधा अंतर निकालेंगे, यही तो हमारा अंतर होता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हमारा, इनको ऐड करेंगे तो सीआई निकलेगा, लेकिन हमें सिर्फ क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये वाला हमारा, तो हमें क्या करना है, 200 प्लस में 140 प्लस में 180 प्लस में 20, तो इनको ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे इनको हम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200 प्लस में 140 प्लस में 180 प्लस में 20, तो ये टोटल कितना आ गया हमारा, ये टोटल आ जाएगा 540 रुपये।
540 रुपये क्या आ गया हमारा डिफरेंस आ गया CI का और SI का, और यही हमें निकालना था, जो तीसरे साल का CI था और तीसरे साल का SI था इनका अंतर निकालना, तो यही हमारे क्या था अंतर था, कितना आ गया टोटल 540 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब टाइम तो कितना हो गया हमारा, टाइम हो गया 3 साल, टाइम हो गया हमारा 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब क्या दिया हमारे, हमें दिया है CI माइनस में SI, इसका अंतर दिया हुआ है, कितना दिया इसका अंतर, इसका अंतर दिया हमें 140 रुपये, 140 रुपये दिया है। उसके बाद रेट दिया है, रेट कितना दिया है R, ये दिया है 11/1/9% या फिर इसको परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या आएगा 100/9 आएगा, 11.99 प्लस में 100/9 मतलब कि 1/9, ये क्या आ गया हमारा रेट आ गया। उसके बाद ये वार्षिक दर दी हुआ है, वह धनराशि तथा 5 वर्ष का साधारण ब्याज की है ज्ञात करें, तो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है धनराशि मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है, और क्या निकालना है 5 वर्ष का SI निकालना है, तो 5 वर्ष का SI के लिए तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल निकालते हैं सबसे पहले हम, देखो हमें तो सबसे पहले हम 3 साल का चेन सिस्टम बना लेते हैं, ये हमारा 3 साल का चेन सिस्टम। अब दिया क्या क्या हमें दिया, तो हमें टाइम है, अंतर है, डिफरेंस है और रेट है, तो हम क्या करते थे 3 साल का दिया ना, रेट कितना दिया 1/9 दिया है, तो लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था हमने, हमें 3 साल का दिया तो हम इसका क्या करेंगे, रेट जो भी आया हमारा 1/9 है तो 9 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो 9 का क्यूब कितना आएगा 729 आएगा, तो 729 को हमने क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, क्योंकि जो रेट होता है ना हमारा, रेट होता है डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, ये रेट क्या होता है हमारा डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, अगर डिफरेंस हमें वैसे तो डिफरेंस गिवन ही है कितना 140 है, प्रिंसिपल क्या हमारा 9 है, तो 1/9 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 साल के लिए दिया हुआ है, तो 9 का क्यूब कितना आया 729 आ गया, तो 729 आ गया हमारा, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है 1/9, तो क्या कर देंगे 1/9, तो इसका 1/9 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 81 आ गया, इसका भी 1/9 क्योंकि तीनों साल का सेम ही रेट रहेगा, तो ये भी क्या आ गया 81 आ गया, और ये भी 81 आ गया, जब ये वाला पैसा दूसरे साल जाएगा तो 1/9 करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 9 आ गया, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और इसका 1/9 करेंगे तो हम 9 का 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे जाना है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है डिफरेंस, क्या दिया हमें डिफरेंस दिया है, और डिफरेंस हमारा होता है ये, तो टोटल कितना हो गया 9 + 9 = 18 + 9 = 27 + 27 = 28, मतलब कि हमें दिया है जो 28 यूनिट हमारी किसके इक्वल है, 28 यूनिट हमारी 140 के इक्वल, 140 दिया हुआ है, 140 के इक्वल है, तो 28 यूनिट 140 रुपए के इक्वल है, तो एक यूनिट किसके इक्वल होगी हमारी, एक यूनिट हो जाएगी हमारी, ये होगी हमारी 140/28, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया ये 5 आ गया। उसके बाद एक यूनिट 5 के इक्वल, और प्रिंसिपल निकालना सबसे पहले, तो एक यूनिट 5 के इक्वल है तो 729 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा पी बराबर में 729 मल्टीप्लाई बाय में 5, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 45 = 10 × 4 = 14 × 5 = 35 × 1 = 36, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल 3,640 रुपये। उसके बाद प्रिंसिपल तो हमने निकाल लिया, धनराशि हमने निकाल ली क्या थी, उसके बाद हमें निकालना 5 साल का साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज निकालना है, और
एस आई का फॉर्मूला तो हमें सिंपल ही पता है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर में ये होता हमारा पी गुणा में आर गुणा में टी अपॉन में 100। पी कितना आ गया हमारा, पी आ गया हमारा 36,000 3,645। ठीक है, प्रिंसिपल 3,645। रेट कितना गिवन था हमें, तो रेट हमें गिवन था 1/9 या फिर 100/9% गिवन था। टाइम कितना गिवन हमें, टाइम हमें गिवन है 5 साल के लिए निकालना है, तो 5 साल डिवाइड बाय में 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गई। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36 ना जाने की 0 9 5 45, तो कितना आ गया हमारा एस आई आ जाएगा हमारा एस आई बराबर में 405 गुणा में 5, ये आ गया हमारा 25 और 5 चौका 20, तो ऐसा ही आ गया हमारा 2,025 रुपये। और ये कितने साल का ऐसा ही आया है, ये हमारा 5 साल का ऐसा ही आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा कटा हुआ है, देख लेना एक बार। क्या हमारा चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर से 30,720 रुपए पर 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1,500 है। अब गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं, हमें गिवन है एक तो हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 30,720, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन हमें, टाइम गिवन हमें 3 साल, 3 साल का टाइम गिवन है। उसके बाद वो क्या दिया हमें, सी आई और एस आई का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया है हमें 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर से, हमें आर निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। और हम बार बार बोल रहे हैं आर का फॉर्मूला, तो आर का फॉर्मूला क्या था हमारा, आर का फॉर्मूला होता हमारा डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल। डिफरेंस तो हमें गिवन है कितना है 1,500 रुपये, और प्रिंसिपल भी गिवन है हमें कितना है 3,720 रुपये, हमें आर निकालना है। जो हमारा आर का फर्दर फॉर्मूला होता है, अगर हम चेन सिस्टम में देखते हैं तो कितना होता हमारा, वो मान लो ये 3R+1, ये क्या होगा हमारा डिफरेंस हो गया, और प्रिंसिपल क्या होता हमारा आर का क्यूब, जब ही तो हम बार बार क्या कर रहे थे आर का क्यूब किए जा रहे थे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, हमने रेट में क्या किया था, 9 का क्यूब किया था, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आर डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा 3R+1 = R³, और ये गिवन कितना है, डिफरेंस हमें दिया है 1,500 रुपये, ये हो गया हमारा 1,500 रुपये, और प्रिंसिपल हमें गिवन है 30,720 रुपये, 30,720 रुपये। सोल्व करेंगे इसको, 0 से 1 0 कैंसिल होगी। उसके बाद तो ये क्या आ गया 3R+1 / R³ = कितना हो गया, ये 25 किस पे कटेगा, 5 पे कटेगा, 5 पे 6 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 6 150, ये 25 आ गया, और ये 6 5 30, 6 6 6 2 12। अब आपको कंपेयर करना है, अब देखो R का क्यूब किसके इक्वल है 512 के, और 3R+1 किसके इक्वल है 25 के, तो क्या आ गया हमारा 3R+1 ये किसके इक्वल है हमारे 25 के इक्वल है, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 उधर माने जाएगा 25 - 1/3, तो कितना आ गया 24/3, ये आ गया हमारा 8, R कितना आ गया हमारा 8 आ गया।
अभी ये क्या आया हमारा, ये वाला आर आया, मान लो ये आर डैश था और ये वाला आर आया, तो हमारी रेट कितना हो जाएगा, तो हमारे जो रेट होएगा ना, परसेंटेज में निकालते हैं रेट तुम, तो रेट हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1/8 गुणा में 100, कितना आ गया 12.5% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हमारा, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये है तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक तो टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन हमें, टाइम गिवन हमें 2 वर्ष। सीआई कितना गिवन हमें, सीआई गिवन हमें 282.15 वर्ष, 282.15। एसआई कितना गिवन हमें, एसआई गिवन हमें 270 रुपये, 270 रुपये गिवन है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, मान लो डी है, डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.15 रुपये, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके माइनस कर देंगे, ठीक है, 12.15 रुपये डिफरेंस आ गया। और निकालना हमें ब्याज की वार्षिक दर आर निकालना है, और हमें पता है जो हमारा डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है हमारा, नहीं रेट होता है ना, रेट ही निकालना हमें, रेट होता है हमारा डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल। अगर हम क्या करें, अगर हम डिफरेंस तो हमें पता ही लग गया, अगर मैं क्या करूं प्रिंसिपल और निकाल लूं तो इससे भी क्या पता लग जाएगा हमें। अब 2 साल की बात करें हम, 2 साल के लिए एक बार चार्ट बना लेते हैं। यह आ गया हमारा 2 साल का, और साधारण ब्याज कितना हमारा 270 रुपये है, 270 मतलब कि इसका और इसका जोड़ के आएगा 270 आएगा। मान ले ए मान लेते हैं, ये भी ए है हमारा, ये भी ए है, तो क्या गया 2a की वैल्यू गिवन हमें, 2a कितना हमारा 270 रुपये है, और a कितना हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा फिर 270 अपॉन में 2 135, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 135 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया 135 आ गया, और डिफरेंस कितना गिवन हमें, डिफरेंस गिवन है 12.15। 12.15 कैसे आया होगा, जब हमने 1/r आर किया होगा, आए बस आर आएगा हमारा, डिफरेंस, डिफरेंस कितना हमारा, डिफरेंस हमारा इसमें 12.15, अभी गिवन है हमारा 12.15, और ए हमने निकाला ही है, कितना आया 135 आ गया। तो क्या करेंगे हम, इसका पॉइंट हटा लेंगे, अपॉन में 135 गुणा में परसेंटेज के लिए हमने 100 डाल दिया, और इसके जब पॉइंट हटाएंगे 12.15 के, तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, तो ये पूरा पूरा किस पे डिवाइड होता है, 9 पे डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ गया आर हमारा 9% आ गया। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा हमारा, रेट 9% आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी टाइप नंबर 7, तो टाइप नंबर 7 क्या बोलती है, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करना। तो हमें दिया क्या क्या है, हमें गिवन है एक तो सीआई गिवन है, और सीआई कितने का है 2 साल का है, दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का सीआई कितना है 318, तो याद रखना दूसरे वर्ष का, और 3 वर्षों का एसआई गिवन है, एसआई 900। अब एसआई में तो हमें पता है अभी ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, तो हमें एक तो क्या निकालना है, एक तो चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी है, एक तो आर निकालना है, दूसरा हमें निकालना है मूलधन, एक हमें पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। अब देखो हम अगर चैन सिस्टम बनाते हैं तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल हो गया, ये पी है, 3 साल का एसआई दिया हुआ हमें, 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना कितना है 900 है, अगर ये 900 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का 900 है तो एक एक साल का कितना हो गया 300 हो गया, ये भी 300 हो गया, ये भी 300 हो गया, और ये भी 300 हो गया हमारा, और क्या दिया है,
और दिया हमें एस आई, एस आई कितना दिया है किसके है? दूसरे साल का, मतलब यहाँ पे जो दूसरे से ये वाला पैसा दूसरे साल में आएगा, जो हमारा टोटल क्या दिया है एस सी आई दिया हुआ है, टोटल सी आई कितना है 318। मतलब देखो 300 तो ये हो गया, तो मतलब कि 18 क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंस हो गया हमारा, आई बात समझ। तो 318 टोटल कितना हो गया, ये 318 तो हमारा सी आई हो गया दूसरे साल का, और तीन साल का एस आई कितना हमारा 300 है, तो याद रहेगी ये बात। और क्या करना हमें, अब डिफरेंस कितना आया हमारा, डिफरेंस कितना आ गया 300 में से, ये 318 में से 318 तो क्या है तीन साल का है, 300 प्लस तीन ये, और तीसरे दूसरे साल का एसआई कितना हमारा 300 है, तो कितना आ गया 18 डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कितना आ गया हमारा 18 रुपये आ गया, डिफरेंस कितना आया हमारा 18 रुपीज आ गया। उसके बाद हमने अभी देखा था लास्ट वीडियो उसमें क्वेश्चन में, तो आर क्या होता हमारा, आर होता हमारा रेट डिफरेंस अपॉन में पी, परसेंटेज के लिए हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया, परसेंटेज के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंस कितना आया हमारा 18 आया, और पी कितना है इसमें हमारा 300 है, ठीक है, तो इसको पी मानना हमने, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से हमने अगले का निकालना है। तो हालांकि जो प्रिंसिपल हमें निकालना है ये वाला पी नहीं है वो, ठीक है, इसको पी मानना है, तो इसके हिसाब से हम रेट निकाल लेंगे। अब क्या है, इंटू में 100 कर देंगे, 100 से हमने जीरो से हमें जीरो कर, चलो होगी तीन से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 6 आ गया, तो आर की वाली कितनी आ गई हमारी 6%, तो रेट कितना है हमारा, रेट आ गया हमारा 6%। निकालना क्या हमें, निकालना तो हमें एक तो आर निकालना था, आर तो हमारा निकल गया, एक हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल मूलधन कितना है वो निकालना है। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। अब देखो इसमें देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमें कितना आ गया ना, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल को हम ऐसे रखेंगे। एसआई, एसआई हमें तीन साल का मान लो दिया हुआ है, तो कितना हो गया 900 हो गया। प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर हमारा 6 आ गया और टी हमारा तीन साल है, और ये कितना आ गया हमारा 00। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, तो क्या आ गया हमारा, इसको हम इधर ले आएंगे, तो क्या करेंगे P इक्वल टू में 900, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसके आगे डिवाइड में आ गए 6 × 3, ठीक है, तो कितना हो गया, तीन पे कैंसिल कर देंगे 300, और 6 पे जाएगा 5, 6×5=30, कितना आ गया 5000 आ गया, तो 5000 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब देखो निकालना हमें रेट था, तो रेट कितना निकला हमारा, रेट निकल गया हमारा 6%, कितना निकला ये 6%, और प्रिंसिपल कितना निकला हमारा, प्रिंसिपल निकल गया हमारा 5000 रुपये, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, तो आर कितना गिवन हो गया हमारा, आर हमारा गिवन हो गया 5%, आर हमारा कितना है 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि सी आई, सी आई कितना गिवन हमें, सी आई हमें गिवन है 246 रुपये, 246 रुपये सी आई गिवन है। और क्या दिया है, देखो अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अगर हम R को मान लिए R1 मान लिया, R1 को R1 कितना हो गया हमारा 6% हो गया, अगर R1 हमारा 6% हो गया तो 3 साल का SI निकालना हमें, मान लो S3 लिख दिया, 3 साल का SI निकालना हमें, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, SI निकालने के लिए तो हमें प्रिंसिपल की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बेसिक मेथड कराऊँ आपको, हमें क्या क्या गिवन है, एक तो CI गिवन है, एक हमें क्या गिवन है R गिवन है, उसको तो भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, तो प्रिंसिपल निकालना है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में गिवन होता है। तो क्या हो गया हमारा ये पी इंटू में वन प्लस में आर अपॉन में अंडर इसकी पावर टी। अमाउंट तो हमें गिवन नहीं है और ना हमें पी गिवन है, तो इनका रिलेशन होता हमारा ए इज इक्वल टू में पी प्लस में सी आई। बट सी आई गिवन है हमें, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अगर मैं अमाउंट की वैल्यू यहाँ रखूँ तो क्या आ गया, ये पी इज पी प्लस में सी आई इज इक्वल टू में पी वन प्लस में आर कितना हमारा, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर अपॉन में सो की पावर टी। ये वैल्यू रखे, अगर हम वैल्यू रखे तो इसमें क्या आएगा, पी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, सी आई हमारा 246 है और ये पी निकालना है, और इधर क्या आ जाएगा वन प्लस में आर कितना है इसमें 5% अपॉन में टी इसकी पावर कितनी होगी, 2 है, टाइम टी है। बहुत लेंथी पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा लंबी पड़ गई है, तो इससे नहीं निकालेंगे हम, शॉर्टकट निकालेंगे, इसको साफ करते पहले, क्योंकि हम ऐसे करने लगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो इसको शॉर्टकट से निकालेंगे। निकल तो इससे भी जाएगा, आंसर सही आएगा इससे भी, शॉर्टकट से निकालेंगे इसको हम। अब देखते हैं इसको, अब देखो क्या क्या गिवन है हमें, हमें आर गिवन है, आर कितना है 5%, 5% का मतलब कि परसेंटेज आएंगे तो 5/100 कितना आ गया, ये 1/20 आ गया। तो हम क्या करते क्या थे, मान लो चैन सिस्टम बनाते थे, जब हम चैन सिस्टम बनाया कितने 2 साल का है, तो 2 साल का चैन सिस्टम बना लिया हमने, और सी आई भी गिवन है, तो ये सी आई के लिए हमने ये बना लिया। अब गिवन क्या हमारा प्रिंसिपल, हमें पता है क्या है, आर होता हमारा डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, और ये आर का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना होगा आर का स्केयर, तो यहाँ पे क्या है 2 साल के लिए, तो आर का स्केयर कितना होगा हमारा 400 होगा, ये हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो आर कितना है 1/20, तो इसको 1/20 करेंगे ये कितना आ गया 20 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 आ गया, इसका 1/20 करेंगे तो ये कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ जाएगा। अब देखो टोटल टोटल एसआई की बात करें, टोटल एसआई कितना हमारे पास 40 है, और टोटल सीआई कितना हो गया 41 है, और हमें सीआई गिवन है, ठीक है, तो मतलब कि 41 यूनिट का मतलब हमने एक्स मान लिया, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है, 41 एक्स की वैल्यू कितनी गिवन हमें 246 रुपये गिवन है, क्योंकि ये हमारा टोटल सीआई हो गया, सीआई यही हो गया, तो टोटल सीआई कितना हो गया 20 + 20 + 1 कितना हो गया 41 हो जाएगा। तो टोटल सीआई कितना गिवन हमें 246 गिवन है। अभी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स कितना आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा 246 अपॉन में 41, तो किस पे कैंसिल आउट होगा ये पूरा पूरा 6 पे कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखो एक यूनिट मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमारा प्रिंसिपल था 400, ठीक है, तो 6 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 एक्स की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा 400 गुणा में 6, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 6 आई है तो 400x की वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल गुणा में जितना भी हमारा ये एक यूनिट की वैल्यू निकली है, एक्स की वैल्यू निकली है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा ये 2400 रुपये। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो क्या है, जब हमारा SI 3 साल का हो और रेट कितना हो, रेट हो जाएगा हमारा 6, और 3 साल का SI निकालना है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ही कर लेते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास 2400 है और आर इस टाइम हमें क्या लेना है, आर लेना हमें 6% आर लेना है, और टाइम कितना है इसमें, टाइम हो जाएगा हमारा 3 साल 3 ईयर टाइम हो गया। अब एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 1000 100, ठीक है 100, तो पी की वैल्यू कितनी हमारी 2400 है, आर कितना हमारा 6 है, टाइम हमारा 3 है, डिवाइड बाय में 100, 0 से ये 0 कट गई, तो क्या आ गया हमारा 24 गुणा में 6 3 18 18, और तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 18 72 यहाँ से 7 18 2 36 और 7 43, तो ये SI आ गया हमारा 3 साल का,
तो यही हमें निकालना था। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125 रुपये, पीछे देखते हैं कहाँ गया, गिरा। 125 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाएगी। देखो हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है, एक तो हमें पी दिया है, कितना दिया, 125 रुपये, 125 रुपये है, और चक्रवर्ती ब्याज की दर से है, ध्यान रखना, अमाउंट दे दिया, अमाउंट कितना हो गया हमारा 216 रुपये हो गया, अमाउंट कितना हो गया 16 रुपये हो गया, और टाइम कितना हमारा, टाइम इसमें गिवन हमारा 3 वर्ष, और क्या निकालना हमें, रेट निकालना है, दर निकालनी है, आया बस में। तो इसके लिए एक मेथड, तो मान लो सिंपली हम मेथड करते हैं, बेसिक तरीका करते हैं, तो बेसिक तो क्या है, हम सीधा फॉर्मूला पता है, चक्रवर्ती ब्याज गिवन है, चक्रवर्ती ब्याज गिवन है तो हम चक्रवर्ती का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू में पी, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पी इंटू में 1 प्लस में आर बटे में 100 इसकी पावर टी, अमाउंट कितना गिवन हमारा 216 रुपये इज इक्वल टू, पी कितना गिवन हमारे 125 रुपये प्लस में आर, तो हमें निकालना ही है, आर को आर ही रहने देंगे, और टी कितना हो जाएगा हमारा 3 साल, इसको डिवाइड में ले आए, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ आके हमारा हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड में लेके आते हैं, तो कितना हो गया ये 216 अपॉन में 125 इज इक्वल टू में 1 प्लस में आर बटे में 100 की पावर 3, अब ये 3 क्या है, क्यूब में है, तो इस तरफ आके क्या हो गया, क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे अब हम, तो ऊपर आएगा 216, तो 216 अपॉन में 125 का क्यूब रूट, याद रखना स्केयर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, इज इक्वल टू में 1 प्लस में आर अपॉन में 1000, तो क्या हो गया, क्यूब रूट 216 कितना होता है हमारा, 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 6 का, 125 किसका होता है, 5 का होता है, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस में आर बटे में 100 की वैल्यू, ये प्लस में है, इस तरफ आके ये माइनस में, तो ये क्या आ गया 6 अपॉन में 5 माइनस में 1 इज इक्वल टू में आर बटे में 100, तो उसके बाद क्या आ गया 1 में इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना आ गया 1 अपॉन में 5 आ गया, आर अपॉन में 100 कितना आ गया 1 अपॉन में 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज रेट, रेट परसेंटेज, तो क्या करेंगे इसको 100 को प्रति तरफ ले जाएंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन में 5, वो कितना आ गया हमारा 20% आ गया, आर कितना आ गया हमारा 20% आ जाएगा, तो ये हमें आर निकालना था, ये हमारा क्या है फॉर्मूले से सिंपल मेथड है, ठीक है, ये बेसिक मेथड है, हमने जैसे कि हम 7th 8th में करते हैं, तो ये सिंपल मेथड हमारा, जैसे कि हम ट्रिक भूल जाए तो फॉर्मूले से निकल जाएगा, लेकिन इससे ट्रिक से करते हैं इस क्वेश्चन को हम, मान लो ट्रिक से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम पी, हमारा प्रिंसिपल कितना गिवन है, उसके बाद लगाएंगे रेशो, उसके बाद लिखेंगे हम अमाउंट, लिखने के बाद प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है 125 रुपये, तो ये लिख दिए 125, यहाँ पे क्या लगा देंगे रेशो, अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट गिवन हमारा 216 रुपये, 216 रुपये है। अब देखो टाइम कितना गिवन था हमें, टाइम हमें गिवन था 3 साल, देखो 3 साल गिवन है, टाइम अगर 3 साल गिवन है तो याद रखना 3 साल गिवन है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, 3 साल गिवन है तो क्या किया हमने, इसका क्यूब रूट किया, 2 साल गिवन होता तो हम इसका स्केयर रूट करते हैं, 4 साल गिवन होता क्वाड्रेटिक रूट करते हैं, ठीक है, तो याद रखना, तो इसका 3 साल का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, मतलब 3 साल में है तो क्यूब रूट किया है, 125 का क्यूब रूट कितना आ गया 5 आ गया, और ये इसका 216 का 6 आ गया, आई बात समझ। अब क्या करते हैं इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया इनका, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना आया हमारा, ये 1 आया, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट हम बार बार डिस्कस करते हैं, तो रेट क्या आ गया हमारा, रेट इज इक्वल टू में, रेट क्या होता है हमारा, रेट इज इक्वल टू में क्या होता है, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, डिफरेंस कितना आया हमारा,
मतलब डिफरेंस इनटू प्रिंसिपल होता है, लेकिन इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। डिफरेंस कितना हमारा, डिफरेंस आया हमारा 1। प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा 5 गुणा में 100, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 20। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल वैसे प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट कितना आ गया हमारा, अभी तो हमने रेट निकाला, कितना आ गया 20%। प्रिंसिपल तो हमें गिवन ही है, 125 रुपये है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था टाइप नंबर 7 का। तो हमें गिवन क्या था, प्रिंसिपल दिया था, उसका चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ था, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो हमें गिवन क्या क्या था इस क्वेश्चन में, एक तो प्रिंसिपल दिया था, इसका अमाउंट दिया था, और चक्रवर्ती ब्याज की दर से था। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी थी, टाइम हमारा 3 साल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ट्रिक से ही बता दिया और सिंपल भी बता दिया कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, क्या हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन हमारा, किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष को मूलधन सवा का 25/16 गुणा हो जाएगा। आई बात है, मूलधन क्या होगा, 25/16 गुणा हो गया। मान लो मूलधन हमारा, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा पी है, मान लो प्रिंसिपल हमने पी मान लिया जो भी है, और अमाउंट हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका 25/16 गुणा हो गया, मतलब कि 25/16 गुणा क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा किसका, हो जाएगा प्रिंसिपल को हो जाएगा। और टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना हमारे पास, टाइम हमारा 2 साल है। अगर वही पहले हम बेसिक तरीका करते हैं, बेसिक तरीके से जाएं तो क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू में पी इंटू में 1 + आर बटे में 100 की पावर t, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी हमारा कितना है, 25/16 p, प्रिंसिपल हमने पी मानना है, रेट हमें निकालना है, तो रेट को हम रेट ही रहने देंगे, और पावर टी। अब पी से तो ये हमारा पी कैंसिल हो जाएगा, या इस तरफ डिवाइड में ले आओ, इस तरफ डिवाइड में लेके कैंसिल कर लो, ये एक ही बात है, पी से तो पी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, और टाइम की वैल्यू भी हमें गिवन है, टाइम की वैल्यू भी रखी देते हैं। टाइम की वैल्यू क्या गिवन हमें, टाइम की वैल्यू गिवन हमें 2 साल, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 साल हो गया। बच गया क्या हमारा, बच गया हमारे 25/16 इज इक्वल टू में 1 + r/100। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या हमारा स्केयर है, और स्केयर परली तरफ जाके किस में जाएगा, स्केयर रूट में जाएगा, तो ये किस में चला गया, स्केयर रूट में चला गया। याद रखना पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे क्यूब रूट में गया था, क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3 गिवन थी, आएगा सर टाइम 3 साल था, 3 ईयर था, ठीक है, टाइम हमारा 3 ईयर गिवन था, इसलिए हमने क्यूब रूट किया था। अब की बार टाइम हमारा कितना है, 2 ईयर है, इसलिए हमने स्केयर रूट किया। तो आगे देखते हैं, 25 का स्केयर रूट कितना हो गया, 25 का हो गया 5, और 36 को इसका 16 को हो गया 4, 16 ही है ना, हाँ 25 को हो गया 5 और 16 को हो गया हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 4 होगा, तो कितना आ गया, 1 + r/100, प्लस है इस तरफ आके माइनस हो गया, तो 5/4 - 1/r/100, तो कितना आ गया, एलसीएम लेंगे इसका हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 1/4 आ गया, इज इक्वल टू में r/100। तो r कितना आएगा, r आ जाएगा हमारे इसमें, r इज इक्वल टू में 100/4, तो कितना आ गया, 25% आ गया, आर कितना आ गया हमारा, 25% आ गया, और यही हमें निकालना था, 25% आर की वैल्यू निकालनी थी। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, अब इसको अगर हम ट्रिक से करें, ट्रिक से करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या गिवन हमें, हमें गिवन है प्रिंसिपल और अमाउंट, हालांकि प्रॉपर वैल्यू नहीं दी है, लेकिन गिवन है हमारा, क्या क्या गिवन है, एक तो प्रिंसिपल दिया है, एक हमें अमाउंट दिया है, आई बात है। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, प्रिंसिपल हमने मान लो पी गिवन है, और अमाउंट कितना है हमारा, प्रिंसिपल का 25/16 गुणा, ये पी हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी से तो पी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा,
यह आ जाएगा हमारा एक सही 25 बटे में 16, या फिर पूरे से हम 16 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 16 सही 25 आ गया। और टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें 2 साल गिवन था, ठीक है, टाइम हमें 2 साल गिवन था, तो इसको क्या करेंगे हम स्केयर रूट कर देंगे, कर दो इसका स्केयर रूट, तो कितना आ जाएगा इसका स्केयर रूट, यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 4 4 रेशो 5। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इसका आ गया 1। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस अपॉन में P इंटू में 100। तो क्या आ गया, डिफरेंस कितना हमारा 1 है, P कितना हमारा 4 है, और 100 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया हमारा 25% आ गया, सेम ही आएगा, बस इसमें टाइम कम लगेगा, उसमें हम पूरा फॉर्मूला रख के देखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, और डायरेक्ट करेंगे हम ट्रिक से तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गिवन क्या है, 200, देखो गिवन क्या हमारे इस क्वेश्चन में, 2000 रुपए की धनराशि पर, ये हमारा 3 है, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज 315.25 रुपए है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी है। क्वेश्चन सेम सा है पर थोड़ा सा घुमा दिया है ना, एक तो हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 315 रुपए, 315.25 रुपए, एक हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपए, तो गिवन क्या क्या हमारा, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, हमें गिवन है प्रिंसिपल कितना 2000 रुपए, हमें गिवन है CI कितना है 315.25 रुपए, हमें निकालना है, एक टाइम गिवन है हमारा 3 साल, हमें निकालना है रेट, सेम क्वेश्चन रेट निकालना है। अच्छा अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा इसमें हमारा, देखो अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट ये क्या हो रहा है, अमाउंट होता हमारा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा हमारा CI है यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना हमारा 2000 है, 2000 प्लस में 315.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2315.25 आ गया अमाउंट हमारा, ये आ गया। अब हमें, हम सिंपल बेसिक तरीके से कर सकते हैं वैसे, पर वही है टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अमाउंट की वैल्यू रख देंगे, इसमें अमाउंट की वैल्यू रख देंगे कितनी आई, जो हमने अभी निकाली है, प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 गिवन है, आर निकालना, टाइम हमारा 3 है, तो इसमें लेंथ ही पड़ जाएगा थोड़ा, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, क्या है कि अगर हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेंथ ही करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इनको ट्रिक से करते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन एक तो प्रिंसिपल गिवन है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंसिपल, और अमाउंट अभी हमने निकाले हैं, अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा 2000, अमाउंट कितना हमारा, अमाउंट आया हमारा 2315.25, इसके पॉइंट डालो, इसके पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, यह इस पूरे को दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना आ गया, 2 जीरो और बढ़ जाएगी, इसकी पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 23 15 25, ठीक है। अब क्या करो, इसको ना 5 से किस पे डिवाइड होता है, इसको हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 8 200 8, ये कितना आ गया 8000 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 25 में 225 हो गया, उसके बाद 2 पे जाएगा, 25 2 50, फिर 25 150 25 125, ये आ गया। अब टाइम हमें कितना गिवन था, टाइम हमें 3 साल गिवन था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 3 साल गिवन है हमारा टाइम, टाइम हम अगर 3 साल गिवन है तो इसका क्या करेंगे, हम क्यूब रूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्यूब रूट कर दिया, यहाँ पे भी क्यूब रूट हो गया, ठीक है। तो क्यूब रूट होने के बाद कितना आएगा, P
पी और ए, पी तो कितना आ गया हमारा, पी आएगा इसका 8 का क्यूब रूट कितना होता हमारा 2 होता है, 3 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगी। इसका 9261 का क्यूब रूट कितना होता है, 61 होता है। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 1 आया। रेट निकालना हमें, तो रेट इज इक्वल टू में डिफरेंस अपॉन में पी इंटू में 1000, तो डिफरेंस कितना हमारा 1 ही आया है। तो क्या क्या कर देंगे हम, 1 ये रेट है, 1 क्या करें हमने 20 से इसको डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गए, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 5%। तो रेट कितना आ जाएगा हमारा, रेट आ जाएगा हमारा 5%। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इसका, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से एक वर्ष के अंत में 650 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करनी। तो हमें गिवन क्या क्या है, मान लो कोई भी प्रिंसिपल है, मान लो ये प्रिंसिपल हमारा पहले साल के अंत में कितना हो गया हमारा 650 रुपए और दूसरे साल के अंत में कितना हो गया हमारा 676 रुपए। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकंड ईयर है, आई बात समझ में। और चक्रवर्ती ब्याज गिवन है, इनका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितना आ गया प्लस 26 का डिफरेंस आया, आई बात समझ में। तो धनराशि निकालनी है हमें निकालना है पी, प्रिंसिपल निकालना हमें भाई कितना प्रिंसिपल होगा हमारा। ठीक है, तो बाद में क्या करेंगे हम इसका, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेट निकालते हैं, और रेट का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या आ गया डिफरेंस अपॉन में पी। देखो ये वाला पी हमारा लास्ट वाला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं इसको, डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस कितना आया और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 100। डिफरेंस कितना आया हमारा, डिफरेंस आया हमारा 26। प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल आया हमारा 650। ठीक है, लास्ट ईयर का निकालते हैं जिससे हमने डिफरेंस निकाला है, इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 4%। तो रेट कितना आ गया हमारा 4% आ गया, आर आ गया हमारा 4% हो जाएगा, ये सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पे 13 5 65, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 4% आ गया। रेट कितना आ गया हमारा 4%, और 4% का मतलब कितना है, 4/100 करेंगे इसको तो कितना आ गया 1/25, 1/25 आ गया। ठीक है, 2 साल गिवन है, मतलब 2 ही साल का है ये हमारा। अब क्या करेंगे हम, 2 साल के लिए है तो उसका चेन सिस्टम बनाते हैं, अब देखो 2 साल के लिए तो हम इसका 25 का स्केयर करेंगे कितना आ गया 625 आ गया, तो यहाँ क्या है 1/25, तो कितना आ गया 25 आ गया। इसका भी 1/25 करेंगे 25 आ गया, इसका भी 1/25 करेंगे तो ये भी कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब ध्यान देने की बात क्या हमारे पास, तो ये हमें क्या गिवन है, हमें ये याद रखना है, ये हमें अमाउंट गिवन है भाई, इतनी अमाउंट हो जाती है इसकी, अमाउंट गिवन है ये पहले साल में होगी, ये दूसरे साल में होगी। मान लो इसमें हम पहला साल देखें, तो पहले साल में मान लो ये है फर्स्ट ईयर की, तो हमारी अमाउंट यही निकलेगी पहले वाली इतनी, तो टोटल पहले साल में अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, मान लो इसको P1 लिख दिया, फर्स्ट ईयर P1 लिख दिया, P1 कितना हो गया हमारा 625 और 25 650। तो सेकेंड साल की P2 कितनी होगी, तो सेकेंड साल में तो ये भी ऐड होगा, 650 में हमने 26 ऐड कर दिया, कितना आ गया 676 ऐड कर दिया, 676 रुपीज़ हो गया, यही तो गिवन हमें। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसका मतलब क्या है, अमाउंट हमारी कितनी रही होगी 625 ही रही होगी, जब ही तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, तो पी हमारा कितना रहेगा हमारा 600, ये हमारा 625 रहेगा, 625 रहेगा, क्योंकि हमारी 1 यूनिट मतलब क्या है, अगर हम इसको देखें 625
एक साल के हिसाब से देखें 650 यूनिट या 50 एक्स किसके इक्वल आया, 650 के ही है। एक यूनिट हमारी किसके इक्वल है, एक यूनिट हमारी 1 के इक्वल है। तो 625 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 625 के इक्वल होगी। तो प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल हमारा 625 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन पढ़ते इसको। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 9,680 रुपए और 3 वर्ष में 10,648 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है, तो मान लो कोई भी हमारा प्रिंसिपल है, मान लो हमने पी मान लिया प्रिंसिपल है, 2 वर्ष में कितनी होगी, वो 2 वर्ष में होगी हमारी वो 9,680 रुपए। ये किस में हुई, 2 वर्ष में, ठीक है, 2 साल में होगी। अब 3 साल में कितनी होगी, 3 साल में होगी हमारी, ये मान लो इसका 3 साल हो गया, यहाँ से 3 साल ले लेते हैं, 3 साल में कितनी होगी हमारी 10,648 रुपये। तो 1 साल का अंतर हो गया ना, 1 साल का अंतर 1 ईयर, जब ही तो 3 साल हो गए 1 ईयर, ठीक है, 2 + 1 = 3, ये क्या हमारा 3 साल का दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज की वार्षिक दर, आर निकालना है, आई बात है, क्या निकालना हमें, आर निकालना है। और इनका अगर अंतर देखें, इनका डिफरेंस कितना आया, 2 साल और तीसरे साल में कितना डिफरेंस आ गया, ये आ गया हमारा 968 रुपये, 968 रुपये हो गया। हमें रेट निकालना है तो हम डायरेक्ट करेंगे, हम बार बार बेसिक तरीके पे नहीं जाएंगे। तो आर हमारा क्या होता है, आर होता है हमारा डिफरेंस अपॉन में पी इंटू में, डिफरेंस कितना है हमारा 968, पी कितना हमारा, कितना लिया था हमने, यहीं से डिफरेंस निकाला, मैंने बोला था डिफरेंस जहाँ जिन जिन का डिफरेंस निकालना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वही उसी को हमने पी रखा है, ये प्रिंसिपल वाला पी नहीं हमारा। तो ये कितना आ गया 980 इंटू में 100, 0 से 0 कट गई, 968 से 968 कट, कितना आ गया 10% आ गया। तो रेट कितना आ जाएगा हमारा, 10% आ गया। ये था हमारा ये क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन वही प्रिंसिपल की धनराशि 2 साल में 9,680 रुपये हो जाती है और 3 साल में 10,648 रुपये हो जाती है। तो 1 साल में कितना होगी, कितनी इंक्रीज होगी, 600, ये होगी 968 रुपये, 968 रुपये इंक्रीज होगी। तो हमें रेट निकालना, रेट का सीधा फॉर्मूला पता हमें, डिफरेंस अपॉन में पी इंटू में डी, 968 अपॉन में पी कितना हमारा, जिससे डिफरेंस लिया है पहले से 9,680 रुपये इंटू में 100 कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 968 से 968 कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है हमारा, यदि किसी दर त्रिमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस दर से 32,000 रुपये 3 माह में चक्रवर्ती ब्याज से 5,044 हो गए। देखो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल दिया हुआ हमें, इसको हम सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट से निकालेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, एक तो हमें प्रिंसिपल गिवन है, दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें अमाउंट, अमाउंट भी गिवन है, निकाल सकते हैं अमाउंट भी हम, ठीक है, इनका रेशो निकालें। देखो प्रिंसिपल कितना हमारा 32,000 प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट कितना है, आप बोलोगे अमाउंट तो दिया नहीं, लेकिन हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5,400, तो कितना होगा प्रिंसिपल 32,000 प्लस में इंटरेस्ट कितना हमारा 5,044, तो कितना आ जाएगा ये 32,000 ऐसे कैसे, और ये इनको ऐड करेंगे हम कितना आ गया ये 440, ये आ गया हमारा 73, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसको 4 से कैंसिल आउट होता है, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 800 का 32 8,000, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 का 36
चार नौ में 36, चार दूनी 8, फिर चार छः 24, चार एकम 4, ये आ गया। टाइम कितना गिवन हमें, त्रिमासिक है और कौन सा है, त्रिमासिक दर से 9वां है, आई बात है, त्रिमासिक दर से कितना है 9वां है। त्रिमासिक दर का मतलब कितना होगा हमारा, तो त्रिमासिक दर है, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, देखो तीन तीन में डिवाइड करें कितने बार आएंगे, तीन तीन साल के अंदर 4 आएंगे और 9 माह का निकालना है, इंटू में 9, तो कितना आ जाएगा ये 36, 36 ईयर, 36 ईयर नहीं 36 माह, मतलब 36 मंथ आएगी, 36 मंथ का मतलब कितना होगा ये 3 साल हो गए, ठीक है। टाइम कितना गिवन हमें, 3 साल गिवन है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं अंदाजा, त्रिमासिक गिवन है, तीन तीन महीने कितने बार आएंगे 4 बार आएंगे, 9 माह के लिए निकालना है, 9 माह के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 36 माह हो गया, 36 मंथ हो गए, 36 मंथ का मतलब कितना हमारा 3 साल है, तो 3 साल है तो इसका क्या करेंगे हम, क्यूब रूट करेंगे, क्या कर दिया हमने इसका, क्यूब रूट कर दिया, तो क्यूब रूट करने के बाद कितना आएगा, 8000 का क्यूब रूट कितना आएगा 200, और 9061 का क्यूब रूट कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, आर इजिकल टू कितना आ गया, डिफरेंस अपॉन में पी कितना हमारे पास 20 है, इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 5% आ गया। ब्याज की दर कितनी है हमारे पास 5% है, ये तो ईयरली आई है हमारी, ठीक है, याद रखना आपको, अगर ईयरली मासिक दर पूछे 5% आई है, लेकिन त्रिमासिक पूछे, क्वार्टरली पूछे, तो क्वार्टरली आर कितना आ जाएगा 4 × 5, ये कितना आ गया हमारे पास 20% आ गया, तो याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16,000 रुपये, 7 वर्ष में 18,522 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन हमें, मान लो कोई भी प्रिंसिपल हमारे पास, प्रिंसिपल पी है, 4 वर्ष में कितनी होगी, 4 वर्ष के अंदर ये हो गए हमारे 16,000 रुपये, और 7 वर्ष में कितनी होगी, 7 वर्ष का मतलब है यहाँ से 7 वर्ष ले लेते हैं, कितनी होगी ये 18,522 रुपये, ठीक है, ये 7 वर्ष में, मतलब कि प्लस में 3 ऐड हो गए, 3 साल का अंतर कितना आया हमारे पास, 3 साल का अंतर आया 18,000, इनका अंतर करते हैं 3 साल का, कितना आ गया 3 साल के अंतर, 3 साल का अंतर आ जाएगा हमारे, इसमें से माइनस करना है 18,522 में से 16,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2522, 2522, ठीक है, 2522 रुपये आ गया। हमें निकालना है रेट, क्या निकालना हमें, रेट, वैसे तो हम सिंपली कर सकते हैं इसको, हम सिंपली कर सकते हैं इसको, इसको अगर हम प्रिंसिपल मान लें और ये हमारा क्या आ गया सीआई आ गया, डिफरेंस आ गया सीआई, क्योंकि अमाउंट हो गई, तो सीआई इसको मान लें, पी इसको मान लें, पहले अमाउंट निकाल के हम इसको सिंपल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ट्रिक से करेंगे, इसको साफ करते हैं पहले, इसको ट्रिक से करेंगे। देखो क्या क्या गिवन हमारे पास, हमारे पास गिवन है, कौन सा कलर लें, हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल गिवन है, दूसरा हमारे पास अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल कितना गिवन है हमारे पास, प्रिंसिपल गिवन हमारे पास 16,000, 16,000 गिवन है। अमाउंट कितना गिवन है हमारे पास, अमाउंट गिवन हमारे पास 18,522 रुपये, ठीक है, 18,522 रुपये, दो पे कैंसिल आउट होते हैं, दो पे कैंसिल आउट हो गए तो कितना हो गया ये 8,000 हो गया, और ये कितना हो गया 9261, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन ही हो गया। अब ध्यान रखने की बात क्या है, टाइम कितना इनके बीच का 3 साल है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल इसको मानना है, इसको नहीं मान रहे हम प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल इसको मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना रेट की दर से इतना ही होगा, इतनी आय होगा उतना ही रेट की दर इनके बीच में होगी, ठीक है, उतना ही रेट हमारा इनमें होगा, तो इसलिए हमने प्रिंसिपल इसको मान लिया और ये हमारा 3 साल का अमाउंट हो गया। अब क्या करेंगे, 3 साल है तो इसका मतलब क्या कर दिया हमने, क्यूब रूट कर दिया, यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो 2000 का 8000 का क्यूब रूट कितना आएगा, 8000 का क्यूब रूट आएगा 20, और 9261 का आएगा हमारा 21, ये तो अभी किया था, अंतर कितना आया हमारा 1 आ गया, तो सिंपल रेट कितना आ जाएगा हमारा,
डिफरेंस अपॉन में पी इंटू में सो, डिफरेंस हमारा 1 आ गया, पी हमारा 20 है और 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा ये 5% आ गया। ये थी हमारी SICI की वीडियो सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट है जिसमें हमने कुछ टाइप किए हैं और टाइप नंबर 7 के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए हैं। इससे पहले हम टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 5 भी किए थे इसी वीडियो में और उम्मीद आपको ये सारे समझ में आया होगा। इसके बाद हम टाइप नंबर 8, 9 और 10 लेके आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी और लास्ट तक देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल RT Tuition Academy। थैंक यू।